श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भाई रब्बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ये कहानी मेरी आप बीती है और मुझे नहीं लगता है कि जितना प्रत्यक्ष मैंने शक्तियों का तांडव देखा था इस काल में, मैंने किसी और केस में देखा हो। अब तो 15 साल के आसपास हो गया। शुरुआती तौर में मैं भूत प्रेतों पे रिसर्च करता था, मतलब कि अगर कहीं भूत प्रेत हैं तो मैं वहाँ जाता था, कोशिश करता था उनसे बात करने का, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करने का, उनसे कुछ हरकत करवाने का। और फिर ये फेस ख़त्म हुआ, अध्यात्म में रुचि बढ़ी, अध्यात्म में आ गए, नाथ संप्रदाय में आए, तांत्रिक क्रियाओं में आए, अघोर क्रियाओं में आए। उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत अल्प लगने लगी, बहुत छोटी लगने लगी। जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण ढूंढना ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं होती है। ये उस कालखंड की बात है जब मैं मुंबई में रहता था। तो एक फिल्म निर्देशक हमारे मित्र ने बताया कि उनके एक मित्र को दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैंने बोला कि मैं जाके देख लेता हूँ क्या है, क्योंकि मित्रों की बात थी। हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। अगले व्यक्ति ने पूरा अरेंजमेंट किया मुझे दिल्ली बुलाने का, फ्लाइट, होटल। हम दूसरे दिन जैसे हैं वैसे ही दिल्ली पहुँच गए। एयरपोर्ट से बाहर निकले और पार्किंग लॉट तक पहुंच गए, वो व्यक्ति मुझे लेने नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों लेने नहीं आया मुझे। मैंने उनको पूछा फ़ोन करके कि आप लेने नहीं आए मुझे? उन्होंने बोला मैं तो अराइवल पे खड़ा हूँ, आप तो दिखे नहीं मुझे। तो मैंने बोला आपने कैसा वस्त्र पहन रखा? उन्होंने बताया कि इस कलर का जीन्स, इस कलर का टी शर्ट है। मैं पहुँच गया तपाक से। उन्होंने जैसे मुझे देखा उनके चेहरे का रंग उतर गया, मतलब एक भाव आया, मैं तो ठगा गया। कहाँ है, मैंने किसी ऐसे सिद्ध व्यक्ति को सोचा था जो कि हमारे घर का भूत निकाले, ये तो जीन्स पैंट टी शर्ट चश्मे लगा के एकदम। मैंने उनके आँख में वो पढ़ लिया कि वो बड़े मायूस हो गए मुझे देख करके। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर हम लोग होटल गए, काफ़ी देर हमने बात किया और भी टीम को मैंने बुलाया, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष है लेकिन लोगों को तो प्रमाण चाहिए कि उनके घर में कुछ है कि नहीं है। तो सीसीटीवी पूरे उनके घर में लगाया गया, एकदम बड़ा सा घर था उनका। तो बात बात हुआ, अब उन्होंने बोला चलो आपको हम अपना घर दिखाते हैं। बड़े अनमने ढंग से चलो चलते हैं देखते हैं, अब आ ही गए हो, इतने पैसे खर्चे हो ही गए तो आ जाओ। तो उनका घर गुड़गांव के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में था और वो इलाका है DLF का, जहाँ पे हजारों हजार अपार्टमेंट है। जैसे ही हम DLF में घुसे तो बिजली चली गई। तो उन्होंने बोला ऐसा तो DLF में होता नहीं कि बिजली चली जाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज चली गई तो चली गई। उन्होंने ले जा करके पार्किंग में गाड़ी लगाई, हम गाड़ी से पहले उतर गए, सामान उतर रहा था गाड़ी से, हम उतर करके, और वो एक सर्कुलर अपार्टमेंट था, होगा उसमें 300-400 घर तो होगा ज़रूर। हम बीच में जाके खड़े हो गए और देखने लगे, वो पीछे से आके मेरे पीछे खड़े हुए कि चले अब। तो मैंने एक घर की तरफ हाथ किया, उनको बोला वही आपका घर है ना? और वो पहली बार था जब उनकी आंखों में विश्वास और आश्चर्य एक साथ था, मतलब उनको समझ में ही नहीं आया कि मैंने उनका घर कैसे पहचान लिया। उन्होंने बोला कैसे आपने मेरा घर पहचाना, अब उनको क्या बताता? मैंने बोला कुछ नहीं, स्वागत हुआ आपके घर से। फिर हम चले उनके घर पे। वो पहला ऐसा घर था मेरे जीवन काल में जहाँ घुसते ही मुझे भी भय की अनुभूति हुई।
मुझे लगा कि यहाँ डरने की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, लोग थे साथ में, खुद भी था, गुरु की शिक्षा थी, देवताओं का साथ था, घुस गए, रणभेरी कर दी हमने। पूरे कमरे में कैमरा लगा करके घर को खाली कर दिया गया और मैं हर जगह जाके अलग अलग कमरे में, बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा एरिया था, बालकनी वालकनी मिला के कुछ नहीं तो 5,000 स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट था। तो वो जब कैमरे में देखते थे तो जब मैं चलता था तो मेरे पीछे छोटी छोटी रोशनियाँ वो मुझे फॉलो करती थी। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कैमरे पे तो देख नहीं रहा था, प्रत्यक्ष देख रहा था। फिर एक कमरे में मुझे काफ़ी ज़्यादा हरकत समझ में आई, तो जैसे मैं उस कोने में घुसा, एक जोर सी रोशनी निकली जिसका रिकॉर्डिंग अभी भी कहीं सोशल मीडिया पर मैंने डाल रखा है, और वो पूरी घूमती हुई निकल गई। तो जो इंटरनेशनल पैरानॉर्मल सोसाइटी के पैरामीटर्स में उसी तरीके के रोशनी को भूत की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद हमने अलग अलग चीज़ें की, जैसे सिगरेट दे के देखा तो अगले ने सिगरेट पिया, फिर हम बैठ करके कैमरा देखने लगे तो सीसीटीवी कैमरा ब्लैक एंड वाइट, उसमें कभी लाल रोशनी आए कभी हरी रोशनी आए, और एक कमरे में पूरा कंसंट्रेशन था उस जगह का, आवाज़ें बहुत भयावह रिकॉर्ड हुई। 2 रात तक हम वहाँ पर पूरी रात जगते थे सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ शक्ति क्या है, ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो जाए, शक्ति कोई और रहे, छेड़ हम किसी और को दें। बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई जिसमें कि पता चल रहा था कि वहाँ पर कोई है, जैसे आप कमरे में बैठे हैं और बालकनी में समझ में आ रहा है कि कोई अभी चल के जा रहा है। उस घर में किसी नौकरानी ने आत्महत्या की थी और उसको ये लोग कई बार देखते थे बालकनी में चलते हुए। आज भी जब इस कहानी को बताता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। तो वो दिखती थी, वो कभी झूले पे बैठे दिखे, वो कभी चलती हुई दिखे, और ये हम लोगों के सामने भी हुआ। लेकिन जिस तरीके की गतिविधि थी ना, वो समझ में आ रहा था कि इससे ज्यादा है इस घर में। सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे, एक फ्रेंच पेंटर की पेंटिंग लगी हुई थी और उसमें 3 शिकारी खड़े थे और एक शिकारी सामने खड़ा था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये कि एक शिकारी ऐसे गिरा मानो उसको गोली लग गई हो, यह रिकॉर्ड हुआ। बुद्ध की एक पेंटिंग थी, उसकी आंख खुली और बंद हो गई। ये सारे फुटेजेस हैं। बहुत शोध के बाद समझ में आया कि नहीं, ये घर गलत बन गया। बहुत बार इंटर डायमेंशनल एंटिटीज का मूवमेंट का अपना पैसेज होता है और वैसे ही एक पैसेज पे ये घर बना हुआ था। तो तय हुआ कि तीसरे दिन हम पहले हवन करेंगे घर पर और फिर श्मशान में जाकर बलि देंगे। जैसे ही हम फिर उस अपार्टमेंट में चौथी बार घुसे, फिर से बिजली चली गई, पूरा अंधेरा, लिफ्ट बंद, 13वां महला, जनरेटर चला, फिर ऊपर गए, ट्रांसफार्मर उड़ गया, जैसे हम अंदर घुसे ट्रांसफार्मर फिर उड़ गया, और पूरा मतलब उसे चिंगारी दिख रहा है, एकदम भयावह माहौल। कदम रखते के साथ बिल्कुल शांत मौसम की दिल्ली में आंधी तूफान, गेट बज रहे हैं, खिड़कियां बज रही हैं, जैसे भुताहा पिक्चर में बजता है ना, वैसे खिड़की और दरवाजे टकरा रहे हैं, और वो जो हवा पास करता है तो एक भूतिया आवाज, पूरा मतलब अगर एक साधक ना हो तो वैसे माहौल से कोई भी भाग जाएगा। हमसे पहले भी वहां एक साधक गए थे, उन्होंने उनको बोला कि एक इस घर को छोड़ो या मरो, तुम्हारे पास दो ही उपाय हैं।
उस घर में जो पहले रहते थे उन्होंने रात में 3 बजे इस घर को खाली छोड़ दिया था सामान के साथ, और लौट के नहीं आए थे। ये बहुत पॉश इलाके का बहुत बड़ा मकान है। तो हम हिले ना डिगे, हमने तैयारियां शुरू की, और जैसे शुरू किया तो जिस कमरे में सबसे ज़्यादा गतिविधि थी, जहाँ से हम मान रहे थे कि यहाँ से दरवाज़ा है दूसरी दुनिया का, उसके बगल में एक बाथरूम था, एक वॉशरूम था, और उससे बहुत ज़ोर से बदबू आने लगी कि किसी ने वहाँ अभी पेशाब किया है। और जब हम अंदर घुसे तो सही में वहाँ पेशाब के छींटे भी थे। इससे ये पता चलता था कि कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये क्षेत्र बंधन है, इसमें प्रवेश करना मना है। लेकिन यहाँ तो हम अपना प्रवेश बंधन मान रहे थे, क्षेत्र बंधन मान रहे थे, क्योंकि इस घर का मालिक कोई और था। हवन हुआ, वृहद हवन हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक छोटे से हवन कुंड में 2-3 बोतल तो कारण हम लोगों को डालना पड़ा था, और जितनी देर हवन चला उतनी देर वो सायों का चलना, वो आम लोगों को दिख जाना जो साथ बैठे थे, वो दरवाज़ा खुलना बंद होना, खिड़कियों का पटकना, वो हू की आवाज़ें, कुछ नहीं थम रहा था। बिजली चली गई, तो एक टिपिकल जो बी ग्रेड हॉरर मूवी समझते हैं उस तरीके का माहौल था, मतलब भुताहा माहौल, लग रहा था कि पिक्चर के सेट पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये हो रहा था। और सच बताऊं, मैंने अपने रिसर्च करियर में कभी इस तरीके का नहीं देखा था कि किसी घर की क्लेंजिंग हो और ऐसा हो। हमें लग रहा था पहले कि ये सिर्फ वो जो मेड थी उसकी आत्मा कर रही है। ऐसे जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया था, मैंने बोला था कि आपकी बालकनी से किसी ने सुसाइड किया है, तो इस पे मालिक ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब पता किया तो पता चला हाँ ऐसा हुआ था, एक मेड विक्षिप्त होकर के, विक्षिप्त थी और वो कूद गई थी। वहाँ स्टेयर के बगल में एक बड़ा सा बालकनी बना हुआ था, वो घर के बाहर था, लेकिन वहीं से उसने किया था सुसाइड। लेकिन अभी मामला ज़्यादा गंभीर था। अभी ये सिर्फ वो एक मेड नहीं थी जो उस घर पे घूम रही थी, ये पूरा एक रास्ता था जहाँ ऐसे कितने शक्तियों का आगा आना जाना लगा रहता था। लग रहा था हवन पूरा नहीं होगा, बहुत मुश्किल से हवन पूरा हुआ, और जैसे अंतिम आहुति हुई घर शांत हो गया, बरसात शांत हो गया, लाइट फिर से आ गई। सिर्फ यहाँ नहीं, जब उनका परिवार वापस आया तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता था कि उनके घर का पेंट खराब है, उनको ऐसा लगता था कि बिजली खराब हो गई है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ना पेंट खराब था ना बिजली खराब थी, इस घर में तो पूरी रोशनी है, वो रोशनी ही नहीं दिखती है। जिस घर में भी ऐसा इफेक्ट होगा तो रोशनी नहीं दिखेगी। उसके बाद हम वहाँ से निकले, दिल्ली गए, वहाँ एक श्मशान में मुर्गे की बलि दी, उन लोगों ने साक्षात देखा। जब वो मुर्गे की बलि हुई तो उससे एक बूंद खून नहीं निकला, मुर्गा काला पड़ गया, कुत्ते आते थे उसको सूंघते थे चले जाते थे, कोई नहीं खा रहा था उस मुर्गे को। तो साक्षात वो भोग हो गया जिस शक्ति को हमने वहाँ पर भोग दिया था। इसीलिए अपने घर में, एक तो भाड़े के घर पे रहने से बचो, रहो तो उसका पूरा इतिहास जानो, और गायत्री मंत्र का सुबह शाम घर में खुद से जाप करो, तो ये सब शक्तियाँ दूर रहती हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, साधना का शुरुआती विधान सीखना है, वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे लिखे हुए शोध पत्र और मेरे जैसे और साधकों के लिखे हुए काफ़ी अनुभवी जानकारियाँ पढ़नी है तो www.अघोरतंत्र से मेरा वेबसाइट है, इस पर आप जाइएगा तो आपको वो मिल जाएगा। महादेव काल भैरव आप सभी की रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।